भैया मुझे ना पहले यूट्रस का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व हो गया है। तो लेकिन जब भी मुझे यूट्रस मतलब पीरियड्स आते रहे तब टेंशन में आ जाती हूँ। तो पर डॉक्टर संजीव जी कहते हैं नहीं ठीक होगा, तो अभी वो ठीक हुआ है मुझे। मेरे को डर था यूट्रस निकालना पड़ेगा, वो ठीक हूँ मैं अभी, गुरुदेव की कितने कृपा। दिन की दवाई में ये ठीक हुआ आपका यूट्रस का इशू? दिन की दवाई में मैंने उनको कांटेक्ट किया था, मेरे ख्याल से मार्च मैंने उनको है ना फेब्रुअरी में कांटेक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे दवाई दी थी हार्मोन की, उन्होंने बोला था एलोपैथी भी खानी पड़ेगी। तो फेब्रुअरी के मैंने खाया, फिर उन्होंने मुझे मई तक बोला खाना पड़ेगा हार्मोन की एलोपैथी, और ये भी जो उन्होंने आयुर्वेदिक दी है वो भी। तो मैंने खाया, फिर मेरा साइकिल एकदम अच्छा हो गया। 3 दिन में ही ना मुझे खत्म होता है, तो मैं बच गई हूँ। पर टेंशन से वो बोलते हैं टेंशन नहीं लेनी है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मुझे पेट गर्म पड़ने लगा, फिर उसके लिए भी ना उन्होंने मुझे दवाई दी है, वो भी बहुत अच्छी है। मैं संभाल रही हूँ अपने आप को, बहुत अच्छा है। और मुझे फिर पाइल्स भी हुए, उन्होंने उसका भी दवाई दे दी है। तो मुझे अच्छा लगता है, दवाई खा के अच्छा ठीक फील कर रही हूँ। और जो मेन प्रॉब्लम थी मेरी यूट्रस की हार्मोन की, तो उससे मैं ठीक हूँ। और बिना हार्मोन की गोली अभी मैं रह रही हूँ, उन्होंने बंद कर दी। वो अरे बोलते हैं वाह कि अगर अरे कुछ ये पेट की वजह से है, बोलते हैं आपका पेट सही नहीं रहता है, गर्म बहुत होता है, तो ठंडी ठंडी चीजें खाने को कहते हैं। तो मैं वैसे ही करती हूँ, बट बहुत टेंशन होती है। जब ये अच्छा आते ना मुश्किल दिन आते हैं तो बहुत टेंशन होती है। अभी चाय पीती हूँ, थोड़ी चाय गर्म पड़ने लगी है, तो वो भी थोड़ी बंद करनी पड़ेगी थोड़े दिन। तो फिर वो लेकिन एक एक बहुत बड़ा इशू आपका सॉल्व हो गया ना। कितने दिन से था ये इशू हाँ, यूट्रस का? फेब्रुअरी से मैंने वो खाया था। और मैंने मई बीमारी कब से थी? कितनी पुरानी थी बीमारी? ये बीमारी मुझे जून 22 में हुई, शुरू हुई थी जून जून ट्वेंटी जून ट्वेंटी टू में। 22 में वो शुरू हुआ था, मतलब तो मैं क्रिया करती थी, पर मुझे दो समझ साल पुरानी बीमारी थी आपकी। हाँ, तो मैं ना क्रिया करती थी, फिर पता चला ये आपका दूध नाड़ी परीक्षण है। तो मैं, क्योंकि मुझे यूट्रस नहीं निकालना था, क्योंकि मुझे पता है कि इतना कुछ नहीं है उसमें, पता लगता है ना। मतलब मैं गुरुदेव की भी पूजा करती हूँ, तो अंदर से ऐसे लगता है ना कि कोई तो है जो मतलब गुरुदेव बचाएंगे। बचा लिया। अभी अभी आपने ये दूध नाड़ी का फीडबैक सुना। अगर आप भी दूध नाड़ी परीक्षण कराना चाहते हैं, ये फीडबैक आपको अच्छा लगा, तो आपको करना क्या है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूध नाड़ी का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर कीजिए। और उसका जो रिसिप्ट आता है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप डाल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आपका नंबर आ जाता है, डॉक्टर आपको आपके मोबाइल में व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, वहाँ पे आपसे टाइमिंग पूछते हैं और आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो जाता है। मेक श्योर आप 2 घंटा खाली पेट रहें जिस वक्त आपका दूध नाड़ी परीक्षण हो रहा हो। और इसके बाद जो वो मेडिसिन सजेस्ट कर रहे हैं श्री श्री तत्वा के, वो भी ज़रूर लें। ये गुरुदेव का श्री श्री वेलबींग का इनिशिएटिव है, इसको और ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ये सेवा ज़रूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।